हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टीना क्लासेस कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके यू पी पी सी आर ओ आर ओ एग्ज़ाम और अलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ आर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए उतना ही यूजफुल होगा जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते तो वीडियो एंड तक दी देखिएगा वीडियो में दिए गए टेन क्वेश्चन पसंद आने पर वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर बट नॉट सॉफ्टवेयर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि हार्डवेयर है बट सॉफ्टवेयर नहीं है तो देखिए ऑप्शन हैं एक्सेल प्रिंटर पावर पॉइंट कंट्रोल यूनिट तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या है वो एक हार्डवेयर है जबकि वो सॉफ्टवेयर नहीं है बाकी एक्सेल हो गया प्रिंटर हो गया पावर पॉइंट ये तीनों ही सॉफ्टवेयर है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे विच इज़ हार्डवेयर इन द कंप्यूटर तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन है सी प्लस प्लस विंडोज सेवन सी डी रॉम या फिर नन ऑफ डीज तो देखिए इसका आंसर आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोम ठीक है जो सी डी रॉम है वो एक हार्डवेयर है कंप्यूटर में बाकी सी प्लस प्लस विंडोज सेवन ये दोनों ही सॉफ्टवेयर है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन को है आपके स्क्रीन पे द द प्रोग्राम दैट कंप्यूटर टू फंक्शन इन डिजायर्ड मैनर इज कॉल्ड ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन कोड सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दीज तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री सॉफ्टवेयर ठीक है तो सॉफ्टवेयर क्या है सॉफ्टवेयर एक रिटर्न प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर फंक्शन अपने परफॉर्म करता है डिजायर्ड मैनर में क्योंकि उसमें वो सॉफ्टवेयर पहले से बना के डाला रहता है उसको सारे इंस्ट्रक्शन पहले से गिवन रहते हैं कि इसमें कैसे कैसे काम करना आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर अब बताइए कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर की क्या मीनिंग हो सकती है ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम फ्लॉपी डिस्क फंक्शन या फिर कंप्यूटर सर्किट तो आप अपना आंसर को कर लीजिए फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आई होप अब तक तो आपने कर होगा तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम तो कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर क्या होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे फोर बेसिक टास्क परफॉर्म बाय सीपीयू सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले वो चार बेसिक टास्क कौन से हैं पहला है फैच मैनिपुलेट एंड आउटपुट आपको एक और बताना है तो बताएं कौन सा होगा इसका करेक्ट करेक्टर ऑप्शन से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए आई होप अब तक आप इसका आंसर बता चुके होंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डी कोड ठीक है तो सीपीयू का बेसिकली चार बेसिक टास्क होता है जो कि सीपी यू परफॉर्म करते क्या आंसर है फेच डी कोड मैनिपुलेट और आउटपुट आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे द यूनिट टू मेजर द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज नेम अब देखिए वो यूनिट कौन सी है जो कि मेजर करती है प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर उसे क्या कहते हैं ऑप्शन सेकेंड्स वर्ड्स एम आई एस या फिर एम आई पी एस तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए हमें बताइए आई होप अब तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर एम आई पी एस एम आई पी एस का क्या फुल फॉर्म होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड तो देखिए एम आई पी एस का फुल फॉर्म होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसे आप याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्या है ये बेसिकली एक यूनिट है जो कि मेजर करती है प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे विच कॉम्पोनेट ऑफ सीपी टेम्पररी स्टोर्स डेटा फॉर ए एल यू ऑपरेशन तो बताएं वो कौन सा कंपोनेंट है सीपीयू का जो कि टेम्पररी ही डेटा को स्टोर करता है ए ऑपरेशन के लिए ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट रजिस्टर ए या फिर नन ऑफ दिस आई होप अब तक आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या है रजिस्टर ठीक है तो रजिस्टर सीपीयू का वो कंपोनेंट है जो कि डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखता है आगे ए एल यू ऑपरेशन में सेंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर द बताइए प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या स्टोर करता है ऑप्शन से एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी या फिर नन ऑफ दीज तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टू ऑप्शन टू क्या है ऑप्शन टू है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है उसके पास वो सभी एड्रेस रहते हैं कि कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब उसको परफॉर्म करना है तो उसके सभी एड्रेस आपको कहाँ मिल जाएंगे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में वहां पे वो सारे स्टोर हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द एक्ट ऑफ राइटिंग न्यू डेटा इन द रजिस्टर बताइए द एक्ट ऑफ राइटिंग न्यू डेटा इन द रजिस्टर आपको दिए गए नॉट डिस्ट्रॉय द करेंट कंटेंट द डिलीट द फर्स्ट फर्स्टेंट ऑफ द रजिस्टर नॉट पॉसिबल टू एक्मुलेट न्यू डेटा बताएं अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टू डिलीट द फर्स्ट कंटेंट ऑफ द रजिस्टर तो जब आप न्यू डेटा को लिखते हैं रजिस्टर में तो क्या करता है वो पहले वाले कंटेंट को डिलीट कर देता है ठीक है डिलीट द फर्स्ट कंटेंट ऑफ रजिस्टर उसके बाद जो आप उसमें न्यू डेटा को ऐड करते वो उसमें सेव हो जाता है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है और ये कंप्यूटर का भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें आपसे पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स नर्वस सिस्टम तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप इसे नोट कर लीजिएगा स्क्रीन शॉट लेना होगा तो स्क्रीन शॉट लेके सेव कर लीजिएगा जैसे तो हमारे ह्यूमन बॉडी में एक पूरा नर्वस सिस्टम होता है वैसे ही कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसे कहा गया है कि वो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम होता है तो आपको बताना है वो कौन सा पार्ट है ऑप्शन है सॉफ्टवेयर कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर प्रोग्राम तो जल्दी से आप इसका आंसर गेस कर लीजिए नहीं तो हम आपको बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टू कंट्रोल यूनिट तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल यूनिट जो कि एक पार्ट है कंप्यूटर का उसको हम क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए टीना क्लासेस को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर रीसेंट नोटिफिकेशन अपडेट जल्दी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट